गुड आफ्टरनून टू ऑल। टुडे आई स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एट्रोपीन, कैफीन, रिसोपीन एंड क्विनीन। सो प्रायर टू स्टार्ट फॉर आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एट्रोपीन, first of all we should know about atropine introduction. Atropine kya hai? Atropine is a type of tropane alkaloid. Basic objectives to study atropine is that atropine exerts an inhibitory action on acetylcholine. Atropine acts as a metabolites, which is known as an anti-muscarinic agents. Anti-muscarinic agent means blocking substances of cholinergic muscarinic receptors. Atropine कहाँ से मिल सकता है? Atropine can be obtained from the natural sources, mainly from plants obtained from Solanaceae family such as Atropa belladonna, in which atropine is present as a major compound in its composition. Means atropine ki baat kare to atropine is a type of tropane alkaloid. Basic objectives behind to study atropine acts as an inhibitory action on acetylcholine. Acetylcholine में inhibitory action show करता है, जिसके कारण atropine metabolites basically act as an anti-muscarinic agents. Means those agents which blocks the substances of cholinergic muscarinic receptors are known as an anti-muscarinic agents. And atropine acts as a metabolites for anti-muscarinic agents. Atropine can be obtained from natural sources, mainly from Solanaceae family plants such as Atropa belladonna. और इस Atropa belladonna में जो main compound, main composition present रहता है वो होता है atropine. फर्दर एट्रोपीन की जब मैं एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन प्रोसेस स्टडी करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी द क्वांटिटी ऑफ कोर्स पाउडर ऑफ Atropa belladonna, और जैसे ही हम कोर्स पाउडर को वे कर लेते हैं, further this coarse powder of Atropa belladonna is further moistened with sodium carbonate solution. Sodium carbonate solution के साथ moist कर देते हैं, जो final extract prepare हुआ है उस mixture में हम petroleum ether add कर देते हैं, और फिर इस एक्सट्रैक्ट को हम फिल्टर कर देते हैं. आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ द एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ एन एक्वस एसिटिक एसिड, देन एल्कलाइड इज एक्सट्रैक्टेड इन फ्रॉम एक्वस लेयर. Finally, extract the aqueous fractions with solvent ether and separate both the fractions, discard solvent ether fractions. Means सबसे पहले हम क्या करते हैं एट्रोपीन की एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन प्रोसेस स्टडी करने के लिए, हमने कोर्स पाउडर की एक्यूरेट क्वांटिटी वे कर ली,
उसको मॉइस्ट किया सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में। फर्दर जो फाइनल एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर हुआ ऑन मॉइस्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, जो एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर हुआ, जो ब्लेंड प्रिपेयर हुआ, उस मिक्सचर में हमने पेट्रोलियम ईथर ऐसे सॉल्वेंट ऐड कर दिया। फाइनली पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट वाज फिल्ट्रेटेड विद एक्वस एसिटिक एसिड सॉल्यूशंस, और लास्ट में एक्सट्रैक्ट द एक्वस फ्रैक्शंस विद सॉल्वेंट ईथर एंड सेपरेट बोथ द फ्रैक्शंस। आगे बात करें एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन में ही, तो जो एक्वस एसिटिक एसिड फ्रैक्शंस था, इट वॉज फर्दर मेड अल्कलाइन विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशंस टू ऑब्टेन प्रेसिपिटेट्स ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। एक्वस एसिटिक एसिड्स फ्रैक्शंस को अल्कलाइन करने के लिए सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन यूज कर लिया जाता है, और जैसे ही हमने एसिटिक एसिड फ्रैक्शंस को अल्कलाइन करने के लिए सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन यूज किया, देन फर्दर द फाइनली बी ऑब्टेन द प्रेसिपिटेट्स ऑफ प्रोपेन एल्कलाइड। प्रेसिपिटेट्स ऑफ ट्रोपेन एल्कलाइड्स को फाइनली फिल्टर किया एंड देन ड्राइड टू ऑब्टेन द रेसिड्यूज। इस रेसिड्यू को फिर डिजॉल्व किया इन डाई इथाइल ईथर, देन फिल्टर एंड कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट। एट्रोपीन क्रिस्टल्स विल फाइनली सेपरेट आउट। आफ्टर फिल्टरिंग द क्रिस्टल्स एंड डिजॉल्व इट इन एल्कोहल कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH, इस टाइम पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि हायोसिन इज कन्वर्टेड टू एट्रोपीन। Lastly, we will recrystallize the atropine sulfate from acetone to separate the crystals of atropine. Means, जब हम extraction and isolation of atropine की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको specific quantity of एट्रोपा बेलाडोना के कोर्स पाउडर को वे करना है, इसको फाइनली मॉइस्ट करना है विद सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। जैसे ही हमने सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में हमने कोर्स पाउडर एट्रोपा बेलाडोना को ऐड किया, तो जो फाइनल एक्सट्रैक्ट बना, जो फाइनल ब्लेंडिंग वाला मिक्सचर बना ब्लेंडर में जब डाला, तो उस मिक्सचर में हमने एक सॉल्वेंट ऐड कर दिया। वो सॉल्वेंट क्या है, पेट्रोलियम ईथर। आफ्टर एडिशन ऑफ ए सॉल्वेंट नोन एज पेट्रोलियम ईथर इन द ब्लेंडर मिक्सचर, then filter out the petroleum ether extract and the final extract of the filtrate with aqueous acetic acid solutions. Finally, हमने क्या किया कि जो aqueous acetic acid वाला fractions था उसको हमने क्या किया, इट वॉज फर्दर मेड अल्कलाइन विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू ऑब्टेन द प्रेसिपिटेट्स ऑफ ट्रोपेन एल्कलाइड। ये जो प्रेसिपिटेट्स ऑफ ट्रोपेन एल्कलाइड्स कलेक्ट हुआ, इसको हमने फिल्टर किया और फिर ड्राई किया।
ड्राई करने के बाद जो रेसिड्यू कलेक्ट हुआ, उस रेसिड्यूस में हमने एक दूसरा सॉल्वेंट ऐड किया जिसका नाम है डाईथाइल ईथर। आफ्टर एडिशन ऑफ अ डाईथाइल ईथर इन द रेसिड्यू इन द ड्राइड रेसिड्यूस वी फिल्टर एंड कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट। और फाइनली हमने क्या देखा, वी ऑब्जर्व दैट एट्रोपिन क्रिस्टल्स वेयर सेपरेटेड आउट। तो जैसे ही एट्रोपिन क्रिस्टल सेपरेट आउट हुए तो हमने उस एट्रोपिन क्रिस्टल्स को फिल्टर किया, और उस एट्रोपिन क्रिस्टल्स जिसे हमने फिल्टर किया है, उस फिल्टर किए हुए क्रिस्टल्स में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH सॉल्यूशन उसमें हमने ऐड कर दिया। तो हमने क्या देखा कि फर्दर वी ऑब्जर्व दैट हायोसाइमिन इज कन्वर्टेड टू एन एट्रोपीन। लास्ट स्टेज में हम क्या करते हैं कि फर्दर वी रिक्रिस्टलाइज द एट्रोपीन सल्फेट फ्रॉम एसीटोन, एंड हियर वी ऑब्जर्व दैट द क्रिस्टल्स ऑफ एट्रोपीन इज फाइनली गेट सेपरेटेड। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस ऑफ एट्रोपीन, तो देयर इज अ वेरियस टेस्ट सच एज फर्स्ट विटालिन मोरिन टेस्ट। विटालिन इन द केस ऑफ विटालिन मोरिन टेस्ट टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एट्रोपीन, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एट्रोपीन एंड विद इन एट्रोपीन एड टू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन एन एवोपरेटिंग डिस्क and evaporated to dryness on water bath, then dissolve the residue in 1 ml of acetone, add few drops of freshly prepared alcoholic potassium hydroxide solutions, violet colorations take place due to tropane nucleus, due to the presence of tropane nucleus। विटालिन मोरिन टेस्ट, विटालिन मोरिन टेस्ट में हम क्या करेंगे कि हमने लिया एट्रोपीन की स्मॉल क्वांटिटी ले ली, उसमें ऐड किया वी ऐड टू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन एन एवोपरेटिंग डिस्क एंड एवोपरेटेड टू ड्राइनेस ऑन वाटर बाथ, देन डिजॉल्व द रेसिड्यू इन 1 ml ऑफ एसीटोन, add few drops of freshly prepared alcoholic potassium hydroxide solutions, and when we add alcoholic potassium hydroxide solutions violet color formations take place, and this formation of a violet color indicates the presence of tropane alkaloid। आगे हम और एनालिसिस की बात करते हैं एट्रोपीन की। तो TLC मेथड, एवरी यू ऑल नो TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। फॉर दिस फर्स्टली वी प्रिपेयर द सैम्पल प्रिपरेशंस विच TLC क्रोमेटोग्राफी ऑलवेज कंटेन्स टू थिंग्स, दैट इज स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। Mobile phase means the phase which has the capacity to move from one place to another, and stationary phase means the phase which is always in a stationary stage। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एट्रोपीन के केस में सैम्पल प्रिपरेशन, स्पेसिफिकली एट्रोपीन इन 1 ml ऑफ फॉर्म, 1 mg of atropine in 1 ml of chloroform,
स्टेशनरी फेस इज सिलिका जेल जी एंड स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ एट्रोपिन. द बेसिक डिटेक्टिंग एजेंट्स टू डिटेक्ट एट्रोपिन इज ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट्स. ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट्स टू प्रोड्यूस येलो ऑरेंज कलर स्पॉट्स. हियर इन केस ऑफ TLC मेथड्स फॉर एट्रोपिन एनालिसिस टोल्यून एथाइल एसिटेट एंड डाई एथाइलमीन इन द 70:20:10 इज द मोबाइल फेस एंड द रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड एट्रोपिन 0.70. मीन्स हमने एट्रोपिन की TLC मेथड से एनालिसिस करने के लिए जो सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन करेंगे वो क्या होता है, 1 mg ऑफ 1 mg ऑफ एट्रोपिन इज डिजॉल्व इन 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म. फर्दर स्टेशनरी फेस सेलेक्टेड वॉज सिलिका जेल जी. स्टैंडर्ड सैंपल डेफिनेटली इट विल बी एट्रोपिन इटसेल्फ. डिटेक्टिंग एजेंट इन केस ऑफ TLC मेथड इज ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट्स विच प्रोड्यूसेस येलो ऑरेंज कलर स्पॉट्स. मोबाइल फेस especially in case of TLC method for atropine is ethyl acetate toluene ethyl acetate and diethylamine in the ratio 70:20:10 proportions होते हैं 70:20:10 and retardation factor value is compared with the standard atropine that is 0.70. फर्दर वेन वी टॉक अबाउट कैफीन कॉफ़ी में कैफीन प्रेजेंट रहता है तो कैफीन इज प्यूरिन एल्किलॉइड. कैफीन क्या होता है, प्यूरिन एल्किलॉइड होता है विच इज ऑब्टेन्ड बेसिकली फ्रॉम द टी लीव्स कॉफ़ी सीड्स कोका एंड अदर स्पीसीज. कैफीन की जब बात करते हैं तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ कैफीन तो कैफीन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ प्यूरिन एल्किलॉइड. बेसिकली कैफीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टी लीव्स फ्रॉम कॉफी सीड्स कोका एंड अदर स्पीसीज. द बायोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ कैफीन कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ प्लांट नोन एज थियासाइनेंसिस. जो बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं कैफीन की तो कैफीन क्या होता है, बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ प्लांट नोन एज थियासाइनेंसिस. ड्राइड लीव्स ऑफ प्लांट थियासाइनेंसिस. बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कैफीन इज ड्राइड लीव्स ऑफ प्लांट थियासाइनेंसिस. फैमिली नाम पे जाइए, प्लांट की स्पेसीज थियासाइनेंसिस. फैमिली थियेसी. द केमिकल स्ट्रक्चर्स इज 137 ट्राई मिथाइल जैंथीन. बेसिकली आइसोलेटेड फ्रॉम टी एंड कॉफी सीड्स. टी लीव कंटेंस 1-4% ऑफ कैफीन एंड कॉफी कंटेंट्स अप्रॉक्सीमेट 1-2% ऑफ कैफीन. बेसिकली कैफीन इज अ वाइट पाउडर क्लिस्टरिंग नीडल्स ऑडरलेस बिटर इन टेस्ट सोलेबल इन हॉट वाटर. मीन्स जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो स्पेशली कैफीन इज इन द फॉर्म ऑफ ए कलरलेस पाउडर. मीन्स इट मीन्स वाइट पाउडर glistering needles odorless and bitter in taste. soluble in the form of hot water. और basic mode of actions की बात करते हैं तो caffeine is a CNS stimulant
as well as diuretic agents. Means the basic objectives of caffeine is to stimulate the CNS, central nervous system, to stimulate the central nervous system and to act as a basic diuretics agents. Further, when we talk about the extraction and isolation of caffeine, so to extract and isolate the caffeine, further हम क्या करेंगे कि टी लीव्स का पाउडर लेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसमें बॉइलिंग वाटर ऐड कर देंगे, गरम गरम पानी, उबलता हुआ पानी, खौलता हुआ पानी, और उस एक्सट्रैक्ट को, एक्वस एक्सट्रैक्ट को फर्दर हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, और उस फिल्टर वाले एक्सट्रैक्ट में फर्दर वी ट्रीट विथ लेड एसीटेट. और जैसे ही हमने इस एक्सट्रैक्ट में लेड एसीटेट ऐड किया, द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट टेक प्लेस. और जो प्रेसिपिटेट बनता है वो किसका होता है, टैनिंस का होता है, और उस प्रेसिपिटेट को फर्दर हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, और इस फिल्टर हुए प्रेसिपिटेट को फाइनली हम वी विल ट्रीट विद द फाइनल फिल्टर्ड प्रेसिपिटेट विद एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशंस टू प्रेसिपिटेट आउट लेड इन द फॉर्म ऑफ ए लेड सल्फेट. आगे बात करें तो फिर फर्दर हमने फिल्टर और कलेक्ट किया फिल्ट्रेट को. द कलेक्टेड फिल्ट्रेट वॉज बॉइल्ड विथ एक्टिवेटेड चारकोल. एक्टिवेटेड चारकोल से बॉयल किया. क्यों किया? सो दैट वी कैन रिमूव. एक्टिवेटेड चारकोल का जो मेन रोल रहता है टू रिमूव द कलरिंग मैटर. उसमें कोई कलर वाला जो मटेरियल है उसको रिमूव करना है. द फिल्टर्ड डीकलराइज सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड विद क्लोरोफॉर्म सक्सेसिवली. मींस फाइनली हमने फिल्टर्ड जो डीकलराइज सॉल्यूशन जो ऑब्टेन हुआ, जो प्राप्त हुआ, उस एक्सट्रैक्ट को हमने क्लोरोफॉर्म ऐड किया. On combining the chloroform extract, evaporates on water vapor to yield caffeine. बात में evaporate होने के होने दिया गया, वाष्पीकृत होने दिया गया, ताकि further caffeine का yield हमें प्राप्त हो. और finally हमने क्या किया, उसको recrystallize किया caffeine को with the help of an alcohol. When we talk about an identification and analysis of caffeine, तो सबसे पहला टेस्ट जो होता है, जैसे हमने इसके पहले बात किया था किसका, एट्रोपिन का. तो एट्रोपिन में हमने क्या किया था, विटाली मोरिंस टेस्ट किया था. क्या किया था, विटाली मोरिंस टेस्ट. एट्रोपिन आवाज़ आ रही थी. तो एट्रोपिन क्या है, वाइटल इन केस ऑफ क्या, एंटी मस्करिनिक एजेंट. ठीक है, तो हमने क्या किया, विटाली मोरिंस टेस्ट किया. यहीं पे अगर कैफीन की बात होगी तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, मुरेक्साइड्स टेस्ट इन द केस ऑफ कैफीन. तो हमने कैफीन की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ले लेंगे और उसमें हम HCl ऐड कर देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देंगे. फर्दर उसी में हम पोटेशियम क्लोरेट ऐड करेंगे. इट फर्दर हीट देन फर्दर हीटेड टू ऑब्टेन द ड्राइनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस सैंपल.
तो हम देखते हैं कि फाइनली ए पर्पल कलर वॉज ऑब्टेंड बाई एक्सपोजिंग द रेसिड्यू टू वेपर्स ऑफ डाइल्यूट अमोनिया। तो फाइनल क्या कलर ऑब्टेंड हुआ? पर्पल कलर। जब टीएलसी के केस की बात करते हैं, हमने एट्रोपीन की, सॉरी कैफीन की तो टीएलसी मेथड से एनालिसिस के लिए हमने क्या किया, सैंपल प्रिपेयर करने के लिए हमने 1 मिलीग्राम ऑफ कैफीन वॉज डिजॉल्व इन 1 ml ऑफ मिथेनॉल और क्लोरोफॉर्म। सिमिलरली प्रीवियस की तरह सिलिका जेल जी ऐसे स्टेशनरी फेस, और हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड सैंपल डेफिनेटली कैफीन लोगे, लेकिन मोबाइल फेज एथाइल एसीटेट मिथेनॉल एंड एसिटिक एसिड 80:10:10 लेंगे। डिटेक्टिंग एजेंट्स वहाँ पे ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट्स था, और यहाँ पे एक्सपोज टू वेपर्स ऑफ आयोडीन रहेगा इन केस ऑफ कैफीन, और यहाँ पे हम रिटार्डेशन वैल्यू देखते हैं 0.41। आगे बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट रिसरपीन, तो रिसरपीन इज एन एल्कोलाइड, इंडोल एल्कोलाइड विच इज़ बेसिकली ऑब्टेंड फ्रॉम द रूट्स ऑफ राउल्फिया सर्पेंटाइना। इंडोल एल्कोलाइड से ऑब्टेन होता है बेसिकली फ्रॉम द रूट्स ऑफ राउल्फिया सर्पेंटाइना। फैमिली एपोसाइनेसी, वाइट क्रिस्टलाइन एंड ऑर्डरलेस पाउडर्स होता है। बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है कि इट इज सोलबल इन एन एल्कोहल एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, मीन्स बेसिकली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोलबल होते हैं रिसरपीन। रिसरपीन का बेसिक यूजेस क्या होता है इन केस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी साइकोटिक एजेंट्स, मीन्स रिसरपीन इज एन एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी साइकोटिक एजेंट्स। रिसरपीन इज एन इंडोल एल्कोलाइड ऑब्टेंड फ्रॉम राउल्फिया सर्पेंटाइना, रूट्स ऑफ राउल्फिया सर्पेंटाइना। फैमिली एपोसाइनेसी, ठीक है, यूज्ड इन केस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी साइकोटिक एजेंट्स। रिसरपीन की एक्सट्रैक्शंस एंड आइसोलेशंस की बात करते हैं, तो रूट्स ऑफ राउल्फिया सर्पेंटाइना इस एक्सट्रैक्टेड विद सॉल्वेंट नोन एज 90% एल्कोहल बाय द हेल्प ऑफ परकोलेशन मेथोडोलॉजी। परकोलेशन मेथड से 90% एल्कोहल ऐड करके हम राउल्फिया, रूट्स ऑफ राउल्फिया पाउडर को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। The alcoholic extract was further concentrated and dried under the reduced pressure below 60 degrees Celsius to yield Raulfia dry extract. Its alcoholic extract further concentrated, फिर उसको dry किया under reduced pressure below 60 degrees Celsius. जो final dried extract ऑब्टेन हुआ, द फाइनल ऑब्टेन ड्राई एक्सट्रैक्ट वॉज फर्दर फाइनली एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए सॉल्वेंट नोन एज ईथर क्लोरोफॉर्म 90% अल्कोहल सॉल्वेंट 20:8:2.5 ईथर क्लोरोफॉर्म एंड 90% अल्कोहल 20:8:2.5। After addition of a solvent, ether, chloroform and alcohol, finally collect the extract and dilute the final extract with dilute ammonium solutions with the help of intermittent shaking. Then shaking करते हुए हम उस final extract में थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट अमोनिया ऐड कर देते हैं। सो फर्दर ऑन एडिशन ऑफ वाटर
and allow the drug to settle after vigorous shakings. फिर फर्दर हमने क्या किया, रिसर्पीन में ही फिल्टर आउट द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन फिल्टर करके एक्सट्रैक्ट ऑब्टेंड एक्सट्रैक्ट द रेसिड्यू विद 4 वॉल्यूम्स ऑफ 0.5 नॉर्मल अमोनियम सल्फेट इन सेपरेट फनल्स. फाइनली वी कंबाइन ऑल द एक्सट्रैक्ट्स. एक्सट्रैक्ट वॉज मेड अल्कलाइन. अल्कलाइन करने के लिए वी एड dilute ammonia to liberate alkaloid and finally it is extracted with chloroform. chloroform के साथ finally extract किया. तो जैसे ही हमने chloroform solvent add किया तो final extract concentrate was evaporated on water bath to yield total Ralphia alkaloid content or residue is subjected to further column chromatographic fractions to separate out reserpine content. Finally, when we talk about atropine, तो atropine identification and analysis करने के लिए sample preparations dissolve in 1 mg of reserpine in 1 ml of methanol and chloroform. Standard samples of reserpine is taken stationary phase. Previously, जैसा हमने सिल्का जेल जी लिया है, mobile phase consists of a solvent, chloroform, acetone and diethyl amine. Chloroform, acetone and diethyl amine in the race. Chloroform, acetone and diethyl amine. Acetone and diethylamine in the respective ratio 50:40:10. Detecting agents जो होता है, जो डिटेक्टर का काम करेगा, ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट्स एंड RF वैल्यू इज 0.72 इन केस ऑफ एन एट्रोपीन. फिर हमने क्विनीन की बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्विनीन एंड क्विनिडीन. तो बेसिकली क्विनीन हो या क्विनिडीन हो या सिंकोनीन एंड सिंकोनिडीन, डीन डीन मींस क्विनिडीन एंड सिंकोनिडीन आर डेक्स्ट्रो आइसोमर्स वेयर एज क्विनीन एंड सिंकोनीन आर लीवो आइसोमर्स. दीज आर ऑल द क्विनोलीन एल्कलॉइड्स विच आर बेसिकली ऑब्टेंड फ्रॉम ड्राइड बार्क ऑफ सिंकोना एफिसिनेलिस. क्विनीन क्विनिडीन सिंकोनीन सिंकोनिडीन दीज आर ऑल द क्विनोलीन एल्कलॉइड्स बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड बार्क ऑफ सिंकोना ऑफिसिनेलिस. ड्राइड बार्क ऑफ सिंकोना ऑफिसिनेलिस. ड्राइड बार्क ऑफ सिंकोना ऑफिसिनेलिस. इट बिलोंग्स टू द फैमिली रूबिएसी. मीन्स क्विनीन क्विनकीन क्विनिडीन सिंकोनीन एंड सिंकोनीडीन सिंकोनीडीन जिसमें कि क्विनीन और क्विनीन और सिंकोनीन इज ए लीवो आइसोमर्स वेयर एज ए क्विनिडीन एंड सिंकोनिडीन इज ए डेक्स्ट्रो आइसोमर्स. ऑल क्विनीन क्विनिडीन सिंकोनीन सिंकोनिडीन और पॉपुलर क्विनोलीन एल्कलॉइड्स बेसिकली ऑब्टेंड फ्रॉम द ड्राइड बार्क ऑफ सिंकोना ऑफिसिनेलिस बिलोंग्स टू द फैमिली रूबिएसी. बेसिक जो क्विनीन का रोल है, इट एक्ट्स एज ए एंटी मलेरियल एजेंट्स एंड ऑल्सो इट एक्ट्स एज ए एंटी एरिदमिक एजेंट्स. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ एन क्विनीन एक्सट्रैक्शन ऑफ ए क्विनीन तो सबसे पहले मॉइस्ट द वेड सिंकोना बार्क पाउडर विथ एल्कोहलिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन या कैल्शियम ऑक्साइड या KOH सोल्यूशन के साथ. मीन्स सबसे पहले क्या किया, सिंकोना बार्क लिया, उसको मॉइस्ट किया, बार्क पाउडर लिया उसको मॉइस्ट किया विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और या फिर कैल्शियम ऑक्साइड सोल्यूशन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH सोल्यूशन या KCAOH का होल पोटाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन.
and sodium hydroxide 5%, keep the mixture as it is for few hours. और हमने उसमें फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया 5% और मिक्सर को एज इट इज रखा रहने दिया कुछ देर के लिए, सो दैट अल्कली कन्वर्ट्स सिंकोना अल्कोलाइड्स टू फ्री बेसिस, कन्वर्ट करें सिंकोना अल्कोलाइड्स टू फ्री बेसिस। फिर फर्दर हमने देखा कि बीइंग नॉन पोलर इन नेचर, चूँकि नॉन पोलर है इन नेचर, फ्री बेसिस कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद बेंजीन फॉर 6 hours इन सॉक्सलेट अपैरेटस, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन अपैरेटस। और जैसे ही कंप्लीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हुआ, तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बाद फाइनली हमने उसको फिल्टर किया द बेंजीन एक्सट्रैक्ट, और आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ द बेंजीन एक्सट्रैक्ट एड 65% सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन to that benzene extract, filtered benzene extract. फिर finally हमने सेक किया the above contents mixtures in separating funnel, अलग अलग separating funnel में जो contents mixture हमने अलग अलग funnel में लिया उसको सेक करेंगे, separating an aqueous layer from benzene layer, एक्वस लेयर को बेंजीन लेयर से अलग करेंगे एंड डिस्चार्ज बेंजीन लेयर्स, एडजस्ट पीएच वैल्यू टू 6.5, किसके हेल्प से, विद हेल्प ऑफ एनओएच सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फाइनली जो प्रेसिपिटेट प्रिपेयर हुआ वो क्विनीन सल्फेट का था, वाज फॉर्म्ड, इट वाज फिल्टर्ड एंड क्रिस्टलाइज और रिक्रिस्टलाइज विद हेल्प ऑफ हॉट वाटर। फर्दर लास्ट स्टेप में वे एंड डिटरमाइन द परसेंटेज यील्ड एंड मेल्टिंग पॉइंट, वे एंड डिटरमाइन द परसेंटेज पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। फर्दर जैसे ही हमने परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट की तो डिजॉल्व दिस क्विनीन सल्फेट इनटू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशंस, एड अमोनिया टू क्रिस्टलाइज क्विनीन एज शार्प नीडल्स, सेपरेट दिस क्रिस्टल्स फ्रॉम मदर लिक्विड। फर्दर जैसे ही ये प्रोसेस अपनाया तो हमने क्या देखा कि एनालिसिस करने के लिए क्विनीन को, क्विनीन की आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस करने के लिए हमने क्या लिया, थैलियोक्विन टेस्ट। तो इसमें थैलियोक्विन टेस्ट में क्विनीन को डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या लिया, सॉल्यूशन ऑफ सिंकोना ड्रग। फर्दर सिंकोना ड्रग वाज ट्रीटेड विद ब्रोमीन एंड अमोनिया सॉल्यूशंस एंड देन इट विल प्रोड्यूस इमराल्ड ग्रीन कलर, इमराल्ड ग्रीन कलर, थैलियोक्विन टेस्ट में इमराल्ड ग्रीन कलर, ट्रोपेन अल्कलाइड क्विनीन। फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात अगर करते हैं तो सिमिलर से टू द लिटिल क्वांटिटी ऑफ सैंपल 0.25 ml ऑफ ब्रोमीन वाटर वाज एडेड। फर्दर द मिक्सचर वाज वेल मिक्स्ड एंड देन 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म वाज एडेड, इट वाज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। आफ्टर ऑन एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर टू दैट पर्टिकुलर सैम्पल 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म वॉज एडेड, और 1 ml क्लोरोफॉर्म ऐड करने के बाद उसको एज इट इज रखा रहने देना है। फर्दर फिर लास्ट में 10% पोटेशियम फेरोक्साइड सोल्यूशंस ऐड करेंगे। आफ्टर एडिशन ऑफ फेरिक पोटेशियम फेरिक साइनाइड सोल्यूशंस then shake well your hands and shake well and then add 3 ml of 5 normal NOH solution। आगे हम क्विनिडीन के केस में देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म लेयर बिकम्स रेड
और वहीं अगर क्विनीन के केस में देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म लेयर रिमेन्स कलरलेस, क्विनीन के केस में कलरलेस, क्लोरोफॉर्म लेयर रिमेन्स कलरलेस। HPLC और TLC की बात करें तो स्टेशनरी फेस सिलिका जेल जी, मोबाइल फेस डाइलेसाइल एमीन एथाइल एसीटेट एथाइल एमीन ये डाइथाइल एमीन एथाइल डाइथाइल एमीन इथर टोल्यून 10:24:40। डिटेक्शन स्प्रे भी किया जाता है आयोडो प्लेटिनेट रिएजेंट्स। फर्दर क्विनिन की HPLC की बात करते हैं तो डेफिनेटली मेथड्स आइसोक्रेटिक स्टेशनरी फेस, अभी तक जेल जी ले रहे थे, अभी यहाँ आया कार्बन 18। मोबाइल फेस की बात करें थे तो मिथेनॉल एस्टोनाइट्राइल नाइट्राइल एंड अमोनिया अमोनियम एसीटेट 45:15:40 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट फ्लो रेट 1 ml पर मिनट। टोक्सिन क्या होता है, फ्लोरेसेंट एट एक्साइटेशन 525 नैनोमीटर एंड फर्दर एमिशन वॉज फाउंड टू बी 375 नैनोमीटर। सो दीज आर ऑल अबाउट द फैक्टर्स यू हैव स्टडीड फॉर द आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन केस ऑफ एट्रोपिन क्विनीन रिसर्पिन कैफीन। सो आई स्टॉप with this lecture, take care, have a nice day.